हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बहुत प्यारा सा मंकी कैप लेके आई हूँ। न्यू बिगिनर इसे आराम से बना सकते हैं, जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इसे आराम से बुन सकते हैं। बनाने में भी ये बहुत आसान है और लगता भी बहुत प्यारा है। देखिए इस तरीके से ये मैंने किटन के फेस की शेप में इसमें बनाया है डिजाइन में। और ये जो है ये आपका 0 से 3 मंथ के बच्चे के आराम से फिट आएगा। जो भी बिगिनर होते हैं जिन्हें सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इसे आराम से बुन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी इसे बनाने का तरीका, और आप इसे फॉलो करिएगा और आपका प्यारा सा मंकी कैप बनके एकदम रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए जो मैंने सलाई यूज करी है ये 10 नंबर की सलाई है। ये 10 नंबर की सलाई से मैं इसे बना रही हूँ। और ऊन ये लिया है मैंने, ये वाला ऊन लिया है। ज्यादा बारीक नहीं है, ज्यादा मोटा नहीं है, मीडियम वूल है ये। और ये 3 प्लाई आपका वूल है ये वाला, इससे मैं यूज कर रही हूँ। देखिए इससे बहुत प्यारा सा ये कैप बन रहा है, इसी को आप यूज करिएगा। हो सके तो मीडियम ऊन ही लीजिएगा, ज्यादा बारीक मत लीजिएगा ना ज्यादा मोटा। इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो मैं अपनी सिलाई में 50 स्टिच इसमें ले रही हूँ। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं, मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। डबल सिलाई से इस तरीके से आप इसमें किस फंदे डाल लीजिए, 50 फंदे ले लीजिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ऐसे लेते हुए आप अपने 50 स्टिच कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने अपने 50 स्टिचेस में कंप्लीट कर लिए हैं। अभी डबल सिलाई से फंदे डाले थे तो एक सिलाई में इसमें से निकाल लूंगी इस तरीके से। अब देखिए ये कैप को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी बिगिनर आराम से इसे बना सकता है। इसमें आप चाहे तो सारे फंदे सीधे सीधे बुन सकते हैं और चाहे तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। मैं इसमें सारे फंदे उल्टे बनाते हुए इस कैप को कंप्लीट करूंगी। देखिए हर फंदे को आपने उल्टा बुनना है इस तरीके से। पूरी रो आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, हर फंदे को उल्टा बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद की रो भी सारी हम उल्टे ही फंदे बनाएंगे उसमें भी। देखिए पहला फंदा आप बिना बुने उतार लीजिएगा, उसके बाद के सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। इस तरीके से बुनते हुए ये रो भी आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाली रो भी मैंने अपनी पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। जब हम दो सिलाई बनाते हैं तो उसके बाद देखिए इस तरीके की एक लाइन आती है, ये देखिएगा इस तरीके की ऐसी लाइन आती है। तो ये लाइन हमें यहां से लेकर के हमें ये बुनते जाना है 50 रोज हमें पूरी बनानी है, यहां से यहां तक 50 लाइन बनानी है। दो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, अब आपको 48 रोज और बुननी है। तो जब आप 48 रोज बुनेंगे तो आपकी इस तरीके की जो लाइन आएंगी ये एक लाइन है। जब हमने दो सिलाई बनाई है तो एक लाइन दिख रही है, तो ऐसे ही जब आप इसकी 50 सिलाई पूरी बनाएंगे तो आपको 25 ऐसी लाइन दिखेंगी, 25 इस तरीके की रोज। तो आप इसको बना लीजिए, 48 अपनी सिलाई बुन लीजिए। एक सिलाई देखिए इस साइड की बुनेंगे, फिर एक सिलाई इस साइड की बुनेंगे, ऐसे करते हुए अपनी 48 यानी कि 48 सिलाई आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं उसके आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। आपका करीब इतना पार्ट ये हो जाएगा जब आप इतना बुन लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। इस तरीके से ये हमारी
पूरी 50 सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और ये जो लाइंस हैं ये 25 लाइंस आई हैं, मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 21, 22, 23, 24 और ये वाली 25। ये 25 सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई हैं, 25 ऐसी वाली लाइंस। तो इसके बाद देखिए आपको इसके आगे का पार्ट कैसे बनाना है। यहां से लेकर आपको पूरे 50 स्टिच आपके हैं, 50 फंदे हैं आपके, इसके टू पार्ट आपको कर लेने हैं। इधर आप 30 स्टिच लेंगे और 20 स्टिच को नहीं बुनेंगे, बस 30 फंदे अब आपको बुनने हैं। तो देखिएगा आपकी जो आगे वाली रो है इसको आप पूरा, क्योंकि उल्टा ही बुन रहे हैं पूरे कैप को, तो आप इसके आगे के पहला फंदा तो बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद के 30 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35, 36, 37, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तीस फंदे आपको बुनने हैं उल्टे और ये वाले जो आपके 20 स्टिच बचे हैं, 20 फंदे बचे हैं, इन्हें आपने नहीं बुनना है और ऐसे ही इन्हें पलटा लेना है। और इस तरीके से अपनी साइड में अपना ऊन ले लेंगे आप जो है, और इसे पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद के सारे फंदे आप उल्टे बुन लेंगे। और ऐसे ही बुनते हुए आपको अपनी, जैसे आपने नीचे का पार्ट बनाया था 50 रोज आपने बुनी थी 50 सलाइयां, ऐसे ही आपको ऊपर के पार्ट में भी 50 सलाइयां बुननी है। ये आपकी दो रोज हो गई हैं, दो सलाइयां ये हो गई हैं जो मैं बना रही हूं। इसके बाद आपको 48 यानी कि 48 सलाइयां और बुननी है और आपको सिर्फ 30 ही फंदे बुनते जाने हैं। जब आपकी 50 सलाई कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको फंदे बताऊंगी कैसे कास्ट ऑफ करने हैं और आगे से कैसे बुनना है। आप इस तरीके से अपनी ये वाली सिर्फ इतनी ही सलाइयां बुनते जाइए, इतना पार्ट आप बना लीजिए। तो मैं आपको फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। इस तरीके से मैंने अपनी ये वाली 25 ये वाली लाइंस और बना ली है, तो ये पूरा इतना ही पार्ट हो गया है जितना यहाँ पे मैंने बनाया था, बिल्कुल उतना ही मैंने ये आगे भी बुन लिया है। अब इसके बाद मुझे फंदे देखिए आपको कास्ट ऑफ करने होंगे यहां से। ये आपका उल्टी साइड वाला पार्ट है, रॉन्ग साइड वाला। तो देखिए यहां से हम फंदे इसके कास्ट ऑफ कर रहे हैं। कैसे फंदे कास्ट ऑफ करेंगे मैं आपको बता दे रही हूं। देखिएगा आपने सारा का सारा जो ये बनाया है सारे उल्टे फंदे बुनते हुए बनाया है, तो आप इस तरीके से पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा बुनेंगे उल्टा, और देखिए पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से, फिर उसके आगे वाला फंदा बुनेंगे आप उल्टा, फिर पहले वाले फंदे को ऐसे करके निकाल देंगे, फिर उसके बाद आगे वाला फंदा बुनेंगे और ऐसे निकाल देंगे। ऐसे करते हुए आप अपने सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे एंड तक। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। यहां से लेकर के यहां तक के आप फंदे कास्ट ऑफ कर लीजिए ऐसे ही। अब देखिए हमारे सिर्फ 3 फंदे बचे हैं इसमें, तो ऐसे हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये वाले फंदे को ऐसे ऊपर से निकाल देंगे और ये लास्ट का फंदा बुनेंगे और इस वाले फंदे को देखिए ऐसे हम ऐसे निकाल देंगे उसके ऊपर से। अब ये जो फंदा आपका बचा है इसको आप यहां से कट कर लेंगे ऊन को,
सिर्फ आपको इतना ऊन रखना है इसमें, जिससे आप यहां से लेकर यहां तक इसकी बाद में सिलाई होगी ऐसे यहां से, तो आपको इतना ही ऊन रखना है जिससे आपकी सिलाई हो जाए। तो करीब जितना ये आपका पार्ट है इसका डबल रख लीजिएगा, इतना आप ऊन इसको कट कर लेंगे। और अब देखिएगा इस ऊन को आपने इस फंदे के अंदर से ऐसे निकालना है ऐसे, और इसे खींच लेना है। तो आपका ये इतना पार्ट इसका बन गया है इस कैप का। अब आपको ये आपका ऊपर का हेड के साइड का पार्ट है, और अब जो आप ये बनाएंगे ये नीचे के साइड का पार्ट है। तो इसको आप इतना ही बुनेंगे जितना आपने यहाँ पे बनाया है, 50 रोज आपने यहाँ पे बनाई है, 50 ही रोज आप ये वाली बुनेंगे। अब आप यहाँ पे ऊन को अपने ज्वाइन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आप ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऊन लेंगे। देखिए पहला फंदा ये उल्टा बुनना है आपको, सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। तो आप ऐसे लिखते हुए देखिए अपनी साइड को लेते हुए एक फंदा ऐसे बुन लीजिए उल्टा, फिर उसका आगे वाला भी फंदा बुन लीजिए ऐसे उल्टा। तो देखिए आपका ये वाला ऊन यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब आप इस ऊन को यहाँ पे एक नॉट लगा लीजिए, देखिए ऐसे लेते हुए यहीं पे इसकी नॉट लगा लीजिएगा ऐसे और ऐसे, डबल नॉट लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा रॉन्ग साइड का ही पार्ट है पूरा, और राइट साइड हमारी इस तरफ है। तो आप ये जो रॉन्ग साइड का पार्ट है यहीं से आप ये स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे आपने ये ऊन जोड़ा है उल्टी तरफ में। तो आप इस ऊन को, अब मैं आपको एडजस्ट करना बताती हूँ ये अंदर ही अंदर कैसे एडजस्ट होता है ऊन। देखिएगा आपको हर फंदे में, जैसे आप ये उल्टा बुन रहे हैं, आपको हर फंदे में इस ऊन को आगे आगे लेते जाना है। देखिए ये ऐसे दबाते जाना है अपने थंब से इस तरीके से, और फिर ये उल्टा फंदा बुनना है जैसे बुनते हैं। फिर ये दूसरा फंदा बुनने से पहले ही आपको ये ऊन फिर से ऐसे दबा लेना है, देखिए इस धागे के ऊपर से ऐसे, और ये अपने थंब से आप दबा लेंगे और फिर आगे का फंदा बुनेंगे। फिर इस ऊन को फिर लेते जाएंगे आगे ऐसे और दबाते रहेंगे। फिर देखिए ऐसे लेंगे और इसे बुनेंगे। तो आपका ये ऊन अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, बहुत नीटनेस आती है ऐसे करने से, आपका ऊन दिखेगा नहीं जो आपने ज्वाइन करा है। देखिए इस तरीके से आपने ये लेते जाएंगे, ये इस तरीके से आप एंड तक, ये देखिए आपने ले लिया। अब ये ऊन का सिरा आपको कहीं पे भी दिखेगा नहीं, इस तरीके से मैंने ये ऊन देखिए ज्वाइन करा है, और ये कहीं पे भी आपको दिख रहा नहीं होगा, एकदम नीटनेस आती है बिल्कुल इसमें। ऐसे ऊन जो का आपका एडजस्ट हो गया है। अब आप आगे के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हर फंदे को आपने इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनना है देखिए, और आपको अपनी 50 रोज कंप्लीट करनी है। ये आपकी एक सिलाई हो गई है। अब इसके बाद आपको 49 और रोज बनानी है, और फिर आपको फंदे ऐसे ही कास्ट ऑफ करने होंगे जैसे मैंने यहाँ पे कास्ट ऑफ करे थे, वैसे ही आपको कास्ट ऑफ करने होंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये वाला पार्ट भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये भी मैंने 50 रोज यहाँ पे बना ली है और 25 ऐसी लाइन्स आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। देखिएगा अब यहां से हम फंदे कास्ट ऑफ करना शुरू करेंगे। यहां से देखिए पूरी आपकी 25 लाइंस हो गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और ये वाली लाइन अब हम बनाएंगे। तो ये हो जाएंगी पूरी 25। ये एक लाइन हम, ये देखिए फ्रंट साइड का पार्ट है हमारा पूरा ये, तो इसमें एक लाइन हम और बुनेंगे देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से देखिए फ्रंट साइड से ये हमारी पूरी यहां से लेकर यहां तक 25 लाइंस हो गई हैं, और अगर आप यहां से गिनेंगे नीचे तक तो ये पूरी 50 आपको ऐसी वाली लाइंस दिखेंगी अगर आप गिनेंगे तो। तो अब हम यहां से फंदे कास्ट ऑफ करेंगे अपनी उल्टी साइड से। ये हमारी पूरी बैक साइड है, देखिए यहीं से हमने यहाँ पे ऊन अटैच करा था यहाँ पे, तो ये हमारी बैक साइड है, यहीं से फंदे इसके कास्ट ऑफ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसी साइड से फंदे कास्ट ऑफ करे थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो जैसे फंदे उधर मैंने आपको खटा के दिखाए थे वैसे ही मेथड सेम रहेगा। पहला फंदा हम बुनेंगे, देखिए ऐसे बिना बुने उतार लेंगे ये वाला फंदा, फिर दूसरे फंदा बुनेंगे उल्टा, और पहले फंदे को ऐसे दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, और फिर इसके आगे देखिए दूसरा फंदा बुनेंगे उल्टा, और इसे ऐसे इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर ऐसे बुनते जाएंगे और फंदे ऐसे कास्ट ऑफ करते जाएंगे लगातार हम एंड तक। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, यहां लास्ट में ये फंदे आप कास्ट ऑफ कर लीजिए। अब इस तरीके से मेरे सिर्फ 3 फंदे बचे हैं, तो देखिए आगे का फंदा हम बुनेंगे और एक फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर लास्ट का फंदा बुनेंगे और इस फंदे को भी ऐसे निकाल देंगे। अब देखिएगा आपको ऊन जो इसके लिए चाहिए ये कितना छोड़ेंगे आप, मैं आपको दिखा दे रही हूं। ये आपको यहां से सिलाई करनी है, ये तो आपने पहले ही छोड़ लिया है ऊन। अब इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही इसका डबल लेना है, जितना ये आपका है पोर्ट पार्ट इसका डबल से थोड़ा ज्यादा, बस आप करीब इतना ऊन ले लीजिएगा इसका डबल लेके और थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा, इतना ऊन आप कट कर लीजिएगा। और इसके बाद इस ऊन को आप इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल देंगे और इसे खींच लेंगे। अब आपको इसकी सिलाई करनी है इस कैप की। ये आपका देखिए पूरा बैक साइड का पोर्शन है, यहीं पे आपने यहाँ पे ऊन ज्वाइन करा था, ये देखिएगा ये दिख रहा होगा आपको हल्का सा, और ये आपका ये पूरा जो है आपका बैक साइड है ये, और फ्रंट साइड जो है वो इधर वाली है। देखिए आपको बैक साइड से ही सिलाई करनी है, तो आप इसमें बैक साइड की तरफ से ऐसे मुड़कर और इस ऊन को नीचे वाला पार्ट पहले सिल लेते हैं हम। तो देखिएगा आपको कोई भी एक सुई लेनी है, टेपेस्ट्री नीडल, और इसको ले इसमें अपने ऊन को डालकर, और आपको यहां से इसकी सिलाई शुरू करनी है बिल्कुल नीचे से, यहां से इस तरीके से यहां तक आपको सिलना है इससे पहले। तो देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा दे रही हूं बिगिनर्स के लिए। देखिएगा ऐसे लेना है आपको, और यहां पे भी इस तरीके से ऐसे ले लेंगे और इसे ऐसे निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे लेंगे ऐसे वाला और इस तरीके से लेके ऐसे निकाल लेंगे, और ऐसे ही आप इसे लेते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे लेते हुए आप इसे ऊपर तक यहां तक सिल लेंगे जहां तक ये इसका नीचे का ये वाला पार्ट है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहां तक मैंने पूरी अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहां पे मैं पक्का टांका ले ले रही हूं, देखिए एक इधर से और एक इधर से लेकर दोनों साइड से लेकर ऐसे एक फंदा लेंगे, और ये फंदे के बीच में से अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे, तो ये आपका जो है पक्का टांका हो जाता है। इसे आप 2 बार कर लीजिएगा ताकि ये जो है फिर खुलेगा नहीं आपका जो कैप है, यहां से सिलाई जो है मजबूत हो जाएगी। तो फिर से आप ऐसे ही लेके कहीं से भी इसके नीचे से और ऐसे इस फंदे के अंदर से ऐसे अपने ऊन को निकाल देंगे, तो ये आपका मजबूत हो गया है। अब आपको देखिए ऊन को कट करने से पहले इस ऊन को यहीं एडजस्ट करके मैं आपको दिखा दे रही हूं, आपको ये ऊन लेना है और इसे ऐसे ही जो आपने सिलाई करी है इस पे ऐसे ही डाल लीजिएगा, थोड़ा ऊपर ही ऊपर बिल्कुल
अपनी साइड में ही तीन चार ऐसे लेकर, इस तरीके से लेकर आप इसमें डालेंगे और सुई को निकाल लीजिएगा। और यहां से अपना ये वाला ऊन आप कट कर लीजिए बिल्कुल, तो आपका ये यहां से सिलाई जो है ये हो गई है। अब आपको ये वाला जो पार्ट है इसका ऊपर का ये सिलना है, ये पार्ट आपको देखिए यहां से सिलना है। पहले ऐसे सिलेगा फिर इधर के साइड सिलेगा। तो ये आपने ऊन लिया था, इसी को आप लेंगे और इसी से याली सिलाई करेंगे। फिर आपका अगर ये ऊन कम पड़ता है तो आपको ये वाला ऊन एक्स्ट्रा है, इससे आप ये सिलाई कर सकते हैं। और अगर ये ऊन का पार्ट ज्यादा लंबा है तो इससे पूरी सिलाई हो जाएगी आपकी ऐसे। ऐसे लेकर के इसे आप ऐसे सिलेंगे बिल्कुल इसके पास बराबर से। यहां पे आपकी याली सिलाई खत्म हुई है, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर से ही ये हम सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो पार्ट है हमारा ये यहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल इसके बराबर से ले करके और आप इसे यहां पे पहले पक्का टांका कर लेंगे एक दो बार ताकि ये मजबूत रहे। ये देखिए इस तरीके से इसमें आप ऐसे पक्का टांका ले लेंगे। फिर ऐसे लेकर के एक बार और ले लीजिएगा, देखिए ऐसे लेकर और इसी पे से सिलाई ऐसे फंदे पे से निकाल लेंगे। तो ये पक्का टांका हो गया, मजबूत हो गया है। अब आप इसकी सिलाई ऐसे ही एक एक टांका पकड़ पकड़ के दोनों साइड का यहां तक इसे सिल लेंगे बराबर बराबर से लेते हुए ऐसे पकड़ के। देखिए आपको ऐसे सिलते जाना है, इधर का टांका भी लेना है और एक इस साइड का लेना है। देखिए ऐसे और आप इसकी यहां से सिलाई कर लीजिए पहले बिल्कुल बराबर से लेते हुए और फिर बाकी आप इसकी सिलाई यहां से कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें ये पॉम पॉम बनाना और इस पे जो मैं यहाँ पे बनाऊंगी डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से एक पॉम पॉम मैंने इस पे बना के लगा दिया है। अब मैं आपको एक पॉम पॉम बनाना सिखाऊंगी कैसा बनेगा ये वाला पॉम पॉम। दो लगाऊंगी मैं इसमें, एक इस साइड और एक इस साइड। तो एक तो मैंने लगा दिया है, अब दूसरा मैं आपको सिखाऊंगी। देखिएगा कैसे बनाते हैं पॉम पॉम। मैंने इसकी वीडियो भी डाली है पहले पॉम पॉम बनाने का तरीका, आप उसमें भी देख सकते हैं चाहे तो। या फिर देखिए ऐसे बनाएंगे आप पॉम पॉम। आपको फोर फिंगर्स में, बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे, तो फोर फिंगर्स में ले रही हूँ। आपको ये धागा ऐसे लपेटते जाना है 60 टाइम आप इसे लपेटेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 टाइम इसको लपेटने के बाद देखिए आप इसे यहां से देखिए ऐसे ही पकड़ेंगे जैसे ये बीच से बिल्कुल खुला रहे इस तरीके से। और इसे ऐसे लेके आप इसे बिल्कुल ऐसे करके ले लेंगे, दोनों को बिल्कुल बीच में से ऐसे इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब जो आपके पास ये ऊन है इसे आप इस पे ऐसे लपेटेंगे, देखिए इस तरीके से अब इसमें लपेटेंगे बिल्कुल बीच सेंटर से लपेटेंगे ताकि बराबर का दोनों तरफ बराबर पोर्शन रहे। और इसे ऐसे करके टाइट ले लेंगे, जितना ज्यादा टाइट लेंगे उतना अच्छा है, फिर ये खुलेगा नहीं पॉम पॉम आपका जो है बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो आप इसे लेके ऐसे लपेट लेंगे। इसके बाद आप इसमें इसे कट कर लेंगे थोड़ा सा लेकर, क्योंकि इससे आप सिलाई भी करेंगे इसकी, तो आप करीब इतना लेके से कट कर लेंगे। अब इसको देखिए पक्की नॉट यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसकी, देखिएगा ऐसे लेकर के और इसी, देखिए यही वाला जो है आपका जो आपने घुमाया था इसके बीच में से
ऐसे इसे निकाल लेंगे और ऐसे टाइट कर लेंगे, तो ये आपकी पक्की नॉट हो गई है बिल्कुल। अब आप इसकी कटिंग करेंगे, ये लंबा वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी का आप इसका ऐसे करके कटिंग करेंगे। देखिएगा इस तरीके से आप पूरे पहले इसके बराबर कर लेंगे, ये वाले भाग जो है इसके इसको खोल लेंगे सारे। इस तरीके से अब इसको, अब आप ये वाला लंबा वाला जो इसका सिरा है जो आपने सिलाई के लिए छोड़ा, इसको छोड़कर बाकी का पूरा आप इसकी कटिंग ही जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा पॉम पॉम बनता है। ये देखिए करीब करीब बराबरी शेप में ये आ गए हैं बिल्कुल एक से। अब इसको मैं लगाना बताऊंगी आपको कैसे इसे आप अटैच करेंगे। देखिए इस पॉम पॉम का जो लंबा वाला ये वाला इसका ऊन है, इसे आप अपनी निडल में डालेंगे और इससे देखिएगा आपको इस साइड से, देखिए दूसरी साइड जो है यहां से लेकर के इसे ऐसे अपने पहले ऐसे डाल देंगे सुई को इस तरीके से। फिर उसके बाद इसे देखिएगा इसे आपने वापस से इसी जो आपका पॉम पॉम है इस पे वापस डालनी है सुई को अंदर की तरफ से लेते हुए। देखिए यहीं से आप जहां से ये सुई आपकी आ रही है ये फंदार है इसकी तरफ से ही पास से ही बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आप इसे फिर से निकालेंगे सुई को और फिर आप इसे जो मोटा मोटा इसका एक हार्ड सा पार्ट होता है पॉम पॉम में तो उसी में आप इस सुई को डालेंगे उसके अंदर बिल्कुल, अपनी सुई को एंटर करेंगे पहले। देखिए इस तरीके से और फिर इसे वापस से अंदर की तरफ से ही लेते हुए उसी मोटे वाले भाग से लेते हुए अंदर की तरफ ले लेंगे। देखिए इस तरीके से ये आपका टाइट हो गया है पॉम पॉम। अब आप इसे यहां से लेकर के अंदर से पक्की नॉट लगा लेंगे। देखिए पास में से कहीं से एक फंदे या दो फंदे पे से ऐसे सुई को लेकर और इसे ऐसे करके पक्की नॉट कर लेंगे ऐसे और फिर एक बार और कर लेंगे तो आपका ये मजबूत हो जाएगा इस तरीके से इसे खींचकर। और इसकी आप एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। देखिए ये आपके दोनों पॉम पॉम इस तरीके से लग गए हैं, कितनी प्यारी सी कैप आपकी बन रही है। अब मैं इसमें आपको फेस बनाना सिखाऊंगी कैसे बनेगा इसमें यहाँ पे फेस इसका। अब इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे कैट का फेस बनाऊंगी यहाँ पे, तो इसके लिए हमें ब्लैक कलर की ऊन अपनी उसमें डालनी है नीडल में टेपेस्ट्री नील में और इस पे एक नॉट लगा लेंगे। किटन का फेस मैं इसमें बना रही हूं, ऐसे करके दो आईब्रोज बनाएंगे सबसे पहले और यहां पे बनाएंगे हम नोज। तो पहले हम नोज बना लेते हैं यहां से, देखिए नीचे से बिल्कुल बीच सेंटर में से इसके बिल्कुल बीच सेंटर में से आप यहां से इस तरीके से देखिए अपनी सुई को डालेंगे और यहां से इतना करीब पार्ट इसमें हम दो बार ले लेंगे ऐसे और एक बार और ले लेंगे इस तरीके से। और यहां पे फिर इसको दोबारा से लेते हुए यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल शेप बनाएंगे। देखिए ये हमारा ये है, अब यहां पे एक ट्रायंगल शेप बनाना है आपको ऐसे लेके इधर लेंगे फिर इधर लेंगे फिर इधर लेंगे। ये देखिए ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं। फिर इस पे रिपीट कर लेंगे दोबारा से
ऐसे लेते हुए, और ये जो खाली जगह है इस पे भी हम ऐसे ऊन को ले लेंगे। इस तरीके से, और ऐसे ऐसे लेते हुए देखिए यहाँ पे हम पूरा इसको ऐसे करके ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये आपकी किट्टन जो हम बना रहे हैं उसकी नोज बन जाएगी। ये नोज बन गई है, अब हम उसकी बनाएंगे आईब्रोज। जो रेड कलर का दिख रहा है ये बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, ऐसे लेंगे हम इसमें। ले लेंगे देखिए, अब हम इसकी बनाएंगे आईब्रोज। तो एक इधर से बनेगी आईब्रो और एक इस साइड से बनेगी। तो देखिएगा, ये देखिए इस नोज के थोड़ा इस साइड से लेकर के हम इसके आईब्रो बनाएंगे। देखिए ऐसे थोड़ी गोलाई से लेंगे, ऐसे देखिए ऐसे ऊपर, और ऐसे फिर बैक लेके, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे लेकर, फिर इसे नीचे कर्व कर लेंगे। देखिए ऐसे कर्व शेप में हम ले रहे हैं इसे, देखिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आप इसकी आईब्रो बना लेंगे। ये देखिए ये आपका एक आईब्रो बन गई है। अब ऐसे ही हम एक आईब्रो बनाएंगे ऑपोजिट साइड में इसकी, किस तरीके से बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में फिर से एक और आईब्रो बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे बनाई हमने। सेम देखिए ऐसे पहले ऊपर कर्व लेंगे, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए इधर ऐसे लेते हुए, ऐसे लेते हुए, ऐसे से कर लेंगे। तो ये आपकी दूसरी आईब्रो भी ऐसे बन जाएगी। देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स इतना मैंने बना लिया है पार्ट इसका। अब यहां पे मैं इसकी यहां पे और यहां पे मूंछ बनाऊंगी जो कैट की होती है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लेकर के तीन बनाएंगे निशान, ऐसे एक इस साइड, ऐसे लॉन्ग सा ले लीजिएगा देखिए इस तरीके से, और फिर इसे थोड़ा सा इसके फिर इसी पे डाल के देखिए इसके आसपास बिल्कुल लेते हुए, और ऐसे ऊपर की तरफ, और फिर इसके इस तरीके से देखिए ऐसे। तो ये कैट का जो मूंछ होती है वो बन जाएगी। यहां पे भी आप ऐसे ही बनाएंगे, इस साइड में भी देखिए ऐसे लेंगे एक बार, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर की साइड लेंगे इस तरीके से, फिर इसके थोड़ा सा नीचे की साइड लेंगे इस तरीके से। तो ये आपकी प्यारी सी किटन का फेस बन गया है, और ये बहुत प्यारी सी आपकी न्यू बॉर्न बेबी के लिए मंकी कैप बन गया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा ऊन है आपके, इसको आप यहां से कट करके यहां पे पक्का, पहले पक्का टाका लगा लेंगे फिर इसे कट कर लेंगे। ये देखिएगा ऐसे लेकर, फिर ऐसे लेकर, और इसे यहां से कट कर लेंगे।
तो ये आपका देखिए बहुत ही प्यारा सा न्यू बॉर्न बेबी के लिए मंकी कैप बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना प्यारा सा बना है ये, आपके बच्चे पे बहुत प्यारा लगेगा फेस पे जब आप इसे पहनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।